हेलो फ्रेंड्स, हाउ यू? अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। क्या हाल चाल है सबका? आई होप दैट प्रेपरेशन आपकी थोड़ी सही चल रही होगी एंड करंट अफेयर्स भी आपका ठीक हो रहा होगा। हेलो फ्रेंड्स, एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? एंड टुडे देयर वुड बी टू क्लासेस, सेप्टेम्बर का और अक्टूबर का, दोनों का ही करंट अफेयर हम करवाएंगे आज वाली क्लास में। यानी कि आज मॉर्निंग में सेप्टेम्बर का होगा। इन द इवनिंग अनदर क्लास हैज बीन शेड्यूल्ड बाय मी एट 6 PM, एट विच आई वुड बी टेकिंग अप द करंट अफेयर्स ऑफ द मंथ ऑफ अक्टूबर। तो वही है, जो भी 5-6 क्लासेस 7 क्लासेस लगेंगी। सो द अटेम्प्ट वुड बी कि जल्दी से जल्दी आपका करंट अफेयर कोशिश है ख़त्म कर दिया जाए। उसके बाद फिर वो जो क्वेश्चन आंसर वाला वो स्टार्ट कर देंगे, बिकॉज वो ज़्यादा ठीक रहेगा। बिकॉज करंट अफेयर इज़ वन थिंग दैट इज़ कंपेरेटिवली बिग आस्पेक्ट, तो वो आपका कवर हो जाएगा तो काफ़ी आपके भी टेंशन रिलीव हो जाएगी। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। एंड वन थिंग इज़ कि एक बात तो श्योर है, काफ़ी मैसेजेस भी आ रहे हैं और कॉल्स भी आ रही हैं। कुछ को आई एम एबल टू अटेंड, मैनी आई एम अनएबल टू अटेंड। बिट से इधर के स्टूडेंट्स को काफ़ी ठीक लग रहा है कि द करंट अफेयर्स इज बीइंग कवर्ड कॉम्प्रिहेंसिवली, और उनको एक रिविजन आस्पेक्ट से भी सही हो रहा है। एंड आई होप दैट कि आपके लिए भी सेम ही लग रहा होगा कि एक एक दिन में 2 आवर्स में अप्रॉक्सीमेटली एक महीने के करंट अफेयर आपकी आंखों के आगे से निकल रहे हैं, एंड फिर दैट इट बिकम्स कंपेरेटिवली ईजी फॉर यू टू रिवाइज ऑल्सो। और जोग्राफी की 3 क्लासेस ली है, द मैपिंग इंडिया आस्पेक्ट में था, वर्ल्ड आस्पेक्ट में था, कुछ क्वेश्चंस थे। अगर कुछ करंट ज्योग्राफी में आना हुआ तो दीज आर द थिंग्स दैट आर देयर, वहाँ से आ जाएगा। और कुछ यहाँ पे भी हम ऑलरेडी कर ही रहे हैं, तो वहाँ से भी आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिल जाएगा। तो टुडे, हाँ जी, गॉड ब्लेस। टुडे वी वुड बी डूइंग, नाउ वी वुड बी डूइंग द करंट अफेयर्स ऑफ द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर 2019। देयर इज वन एंड ओनली वन टीचर इन मलुका, यस। नहीं, ऐसा नहीं है कि वन एंड ओनली वन टीचर है। एक्चुअली क्या है कि ये करंट वाला आस्पेक्ट मैं करवाता हूँ, इसलिए फिर जहाँ हिस्ट्री का जो मैं करवाता हूँ, वहाँ पे आप गो टू यूट्यूब पे है, आपको दूसरे टीचर्स का डेमो भी देखने को मिलता है, जो हिंदी मीडियम का भी डिफरेंट मिलता है। ज्योग्राफी के पढ़े हैं, इकोनॉमिक्स का पढ़ा है, यहाँ पे हमारा जो GS बैच है वहाँ पे इकोनॉमिक्स का पढ़ा हुआ है, वो आपको मिल जाएगा। तो दी नीड्स, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तो बस वही है कि करंट अफेयर मैं करवाता हूँ, इसलिए फिर वो है, इसलिए मैं नज़र आ जाता हूँ, दूसरे कम नज़र आते हैं। इनको रिमेंबर करने का कुछ समझ नहीं आ रहा, प्लीज़ आप इनसे रिलेटेड MCQs देखो मनदीप। हाँ, अगर देखो MCQs आपको जो भी द स्टूडेंट्स विच आर एनरोल्ड एट मलुका, ये उनको MCQs हम ऑलरेडी काफ़ी ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं। एंड Everything has a limitation। या तो MCQ करे जा सकते हैं, या आपको करंट अफेयर करवाया जा सकता है। हाँ, वो जो हाँ, देयर इज़ अ ब्रांच इन दिस ब्रांच इन दिल्ली ऑल्सो, वन ऑफ द ब्रांचेज इन दिल्ली। अनदर थिंग इज़ दैट कि इसके बाद आपको जो जैसे ही ख़त्म होगा तो MCQs भी करवाएंगे, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के MCQs होंगे, तो वहाँ पर आपको जो भी आस्पेक्ट है MCQ करंट रिलेटेड जो भी हुआ, तो वो हम वहाँ पर करवा देंगे। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। चलो द पहली स्टार्ट करते हैं टुडे, जो आज फ्रंट पे है, दैट इज़ सितंबर 2019, एंड द टॉपिक दैट इज़ देयर इज इकोनॉमिक्स है, अमेलगमेशन एंड मर्जर। अमेलगमेशन एंड मर्जर नॉर्मली दोनों मीडियम में करवाते हैं। यार, अब तो मैं वीडियोस रेगुलर ले रहा हूँ, अभी तो रेगुलर ले रहा हूँ, वैसे तो कम ही होती थी। डेली एंड एन एवरेज 1 क्लास इज बीइंग टेकन अप, कभी कभी 2 क्लासेस भी होती हैं। नीड्स, हम हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में करवाते हैं। इफ एनी स्टूडेंट वांट टू इंक्वायर एनीथिंग रिगार्डिंग मलुका, यस, आप इस नंबर पर 9910133084 इस पर आप कॉल कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। अभी अमेलगमेशन एंड मर्जर, आपने इस ऐसे टर्म्स को इकोनॉमिक्स में काफ़ी ज़्यादा सुना होगा कि अमेलगमेशन हो गया है।
मेलगमेशन होता है कि किसी में मिलाप, उस इकट्ठा हो जाना, वेरी अष्टकाल सर। PT 365 या कंपास जैसा बेटर रहता है क्या? एक सिंपल सी बात है, SMD ब्लू, एक सिंपल सी बात है, अगर आप 365 के लिए बात कर रहे हो तो जो हमारा एक्सपीरियंस है वो ठीक है, वो आपको फ्री के बाद भी हो जाएगा। इन 2019, 2018, 2017, 2016 और ख़ास करके ये 3 साल, तो अगर आपको लगता है कि PT 365 में से कुछ आया है तो पढ़ सकते हैं। अगर आपके सीनियर बताएंगे कि वहाँ को हवा नहीं लगी तो आप मत पढ़िए, एज सिंपल एज दैट। मैं तो प्रैक्टिकल तरीके से बात करता हूँ। अगर कहीं से क्वेश्चन आ रहा है तो आप पढ़ लीजिए, अगर 3 साल से नहीं हवा लग रही तो चौथे साल UPSC कौन सा उनको हवा लगने देगी। अब एक ही बात, अब ये वाले कर रहे हैं ठीक है। और कंपास क्या है, मेरे को ये नहीं पता भी कंपास क्या है। 365 वाला तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा श्योर है कि बस एक ब्रांड वैल्यू बन के रह गया है और चलेगा 1-1.5 साल तक, उसके बाद लोगों को भी पता लग जाएगा। बिकॉज स्टूडेंट्स को ऐसा लग रहा है कि वहीं से आता है, और प्री के बाद बोलते हैं बच्चे यार इतना पढ़ के गए थे, मंथली कंपाइलेशन पढ़ा, और उसके बाद मंथली कंपाइलेशन के बाद हमने 365 का PT भी वो पढ़ा लेकिन आया कुछ भी नहीं है। और सीधी सी बात है कि जब पता लग जाएगा तो अपने आप छोड़ देंगे। नहीं, वो नहीं सूरज, इट्स नॉट पॉसिबल, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि वो पूरी की पूरी आपको जो 60 70 80 90 या 100 क्लास जो भी जितनी भी क्लासेस है वो रिपीट करना, दैट्स नॉट पॉसिबल। और अभी कोर्स चल ही रहा है, वो कोर्स चल रहा है, फिर रिपीटेशन का डज नॉट मेक एनी सेंस। जो आप एनरोल्ड स्टूडेंट्स ऑलरेडी हैं आप वहाँ से देख सकते हैं जो रिकॉर्डेड क्लासेज है, डज नॉट मेक एनी सेंस कि वही चीज़ फिर एक बार चल रही है और साथ में फिर रिपीट शुरू हो जाए। चलो, द टर्म इज एमलगमेशन एंड मर्जर। एमलगमेशन नॉर्मली क्या होता है कि इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर कंपनीज इंटू अ न्यू एंटिटी, किसी न्यू एंटिटी में। फॉर एग्जाम्पल, दो कंपनी मिली और बन के एक नई कंपनी बन गई। फॉर एग्जाम्पल, बैंक ए और बैंक बी एंड दे कंबाइन टूगेदर, और कंबाइन करने के बाद ना ए रहा ना बी रहा और एक नई बैंक बन गई, उसको बोलते एमलगमेशन इंडस्ट्री का। ऑन द अदर हैंड, सेकेंड थिंग इज मर्जर। मर्जर जब होता है जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को अक्वायर कर लेती है, उसमें मर्ज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, बैंक बी एक्वायर्स सी एंड डी, इवेंचुअली ओनली बैंक बी बच जाएगा, सी और डी खत्म हो जाएगा। देसी भाषा में अमेलगमेशन का मतलब होता है, हाँ जी हेलो, अमेलगमेशन का मतलब होता है दो कंपनियां इकट्ठी हो जाना और तीसरी नई कंपनी का बर्थ हो जाना, अमेलगमेशन। मर्जर का मतलब होता है एक कंपनी में दूसरी कंपनी मर्ज हो गई, जो मर्ज हुई थी वो खत्म हो गई और जो मेन कंपनी थी वो अकेली वही कंपनी रहेगी, उसको बोलते हैं मर्जर। सत श्री अकाल एंड हेलो एवरीवन। नेक्स्ट इज गिग इकोनॉमी। जब क्या होता है कि इकोनॉमी में अप्स एंड डाउन चल रहे होते हैं तो कोई भी परमानेंट जॉब्स ऑफर नहीं कर रहे होते। इन दैट केस व्हाट हैपेंस इज कि सब कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर या फ्रीलांस की तरह काम करने की कोशिश करते हैं, तो लेबर मार्केट इस तरीके से करेक्टराइज हो जाती है कि देयर वुड बी अ शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट और अ फ्रीलांसिंग, उसको बोलते हैं गिग इकॉनमी। जब परमानेंट जॉब्स की जगह पे शॉर्ट टर्म जॉब स्टार्ट हो जाते हैं उसको बोलते हैं गिग इकॉनमी। बहुत बार एमलगमेशन नई कंपनी बनाते हैं, इसमें नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड ऑलरेडी वी हैव कवर्ड इट, बेसिकली सिंगल सबके सब गवर्नमेंट डाटाबेस को इकट्ठा कर देना है ताकि एक सिंगल डाटाबेस क्रिएट हो जाए, नेट ग्रिड, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड, जिसके लिए पूरे के पूरे जो भी इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग एनी एनी क्रिमिनल और एनी अदर थिंग दैट कैन बी यूज, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर आता है।
2008 के वैसे मुंबई अटैक के बाद इसको काफ़ी ज़्यादा डेवलप करने की कोशिश चल रही है। एटलीस्ट 10 सेंट्रल एजेंसीज को वो डाटा एक्सेस हो जाएगा। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। फॉर एग्जाम्पल IB, रॉ एंड अदर्स, दे विल बी देयर एंड दे विल दीज एजेंसीज विल बी हैविंग एन एक्सेस टू दैट पर्टिकुलर डाटा। आप जो भी इवन सिम आप परचेज कर रहे हैं, बैंक में कुछ कर रहे हैं, इमिग्रेशन है, टैक्स रिकॉर्ड है, टेलीकॉम है, एवरी डाटा दैट वुड बी रिलेटेड टू द पीपल वुड बी मेड एक्सेसिबल। ऑटोमेटिक एक्सचेंज इंफॉर्मेशन रिजीम, बेसिकली देयर वुड बी द एक्सचेंज ऑफ द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग वेरियस थिंग्स इन अ वे दैट पैसा कहाँ से आ रहा है और किधर जा रहा है एंड व्हाट इज द सोर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी। इसको बोलते हैं ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। रिसेंटली इट वॉज इन न्यूज बिकॉज इट वॉज डन बिटवीन स्विट्जरलैंड एंड इंडिया, इंडियन टैक्स अथॉरिटी, इंडियन टैक्स अथॉरिटीज एंड स्विट्जरलैंड के कंटेक्स्ट में, दैट देयर वुड बी ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन ब्लैक मनी को डील करने के लिए। केनेसियन थ्योरी, वेरी सिंपल। गुडन ब्लूम है, ऑलरेडी वी हैव डन। नेक्स्ट इज लाइक प्रोडक्ट क्लॉज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नॉर्मली आप जब कर रहे होते तो इस चीज को नहीं पढ़ते। इट इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ WTO GATT, WTO GATT का पार्ट है, दैट रिक्वायर्ड दैट कंपनीज डू नॉट प्रोवाइड अ लेस फेवरेबल ट्रीटमेंट टू द लाइक प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल ए कंपनी ए प्रोडक्ट है ए कंट्री का, दूसरी कंट्री का बी प्रोडक्ट है एंड दोनों प्रोडक्ट अलाइक हैं। इन दोनों के लिए आपको लाइक प्रोडक्ट क्लॉज है कि जब दोनों एक जैसे ही प्रोडक्ट है, अलग अलग कंपनी या अलग अलग कंट्री उसको प्रोड्यूस कर रही है, आप दोनों को इक्वल ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल द सोलर फोटोवोल्टेइक सेल मैन्युफैक्चर्ड इन USA शुड बी लाइबल टू द सेम अमाउंट ऑफ टैक्सेस एनी अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। कैसे होगा, इसको बोलते हैं लाइक प्रोडक्ट क्लॉज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेट इट इज बेसिकली स्टेटरी बॉडी SEBI के अंडर बनाई गई है, किसके लिए, टू डिस्पोज ऑफ द केसेज अपील्स विच आर मेड ऑर्डर पास्ड अगेंस्ट इट, कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो SEBI के कंटेक्स्ट में। स्टील इम्पोर्ट मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसने है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने है अंडर द DGFT। नाउ व्हाट इट इज बेसिकली अ बिड टू क्लैंप डाउन ऑन डंपिंग ऑफ आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट्स दैट आर बीइंग टेकन, उसको डंपिंग को रोकने के लिए। एंड ऑल्सो ओवर एंड अंडरवॉइसिंग, ओवरवॉइसिंग कभी कभी हो जाता है और अंडरवॉइसिंग मतलब कि इनवॉइसिंग, मतलब कि अगर प्रोडक्ट है 500 करोड़ का, उसको बोल दें कि 200 करोड़ का है ताकि दूसरे की इकॉनमी हिल जाए। दीज प्रोडक्ट्स द गवर्नमेंट हैज रिमूव्ड दीज आइटम फ्रॉम द फ्री कैटेगरी एंड मेड इट मैंडेटरी फॉर द इम्पोर्टर्स की आप पहले एडवांस में रजिस्ट्रेशन करोगे ऑफ दर इम्पोर्ट, ताकि बताओगे क्या इम्पोर्टर है। स्टील इम्पोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम, आपको पूछा जा सकता है कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है और क्या करते हैं। मार्केट इंटरवेंशन आपने इकोनॉमी में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, सिंपल है। नेक्स्ट इज रॉबिनहुड टैक्स, काफी न्यूज में भी रहा था। It is a tax that has been basically been proposed by various non-government organization, refers to the package of the financial transaction taxes that are taking place, proposed by the campaign groups of the civil society NGOs. There are different financial transactions that are taking place, package of basically in the context ki aapki puri ki puri economy hila sakte hain। फॉर एग्जाम्पल अगर चाइना का काफ़ी पैसा US में लगा हुआ है, वन फाइन डे US वालों ने बोला, चाइना वालों ने बोला चलो इसे निकालते हैं, US की इकॉनमी तो हिल गई। सेम इज द केस विद अदर, देर आर वेरियस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन दैट आर टेकिंग प्लेस, उसके ऊपर एक मिनिमम टैक्स होना चाहिए, दैट इज रेफर्ड टू एज रॉबिनहुड टैक्स। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, एवरी वन नोज। इंटरनेशनल माइग्रेंट स्टॉक रिलीज बाई यूनाइटेड नेशन डेसा पॉपुलेशन डिवीजन, it is in the context that India has emerged as a leading country of origin for immigrants across the world. For example 17.5 million international migrants coming from India was there, to aapko sabse zyada migrants kahan pe hai, Bangladesh was a leading country of origin for migrants in India, after India it was Mexico jahan se sabse zyada country of origin ho raha hai। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, एग्रीकल्चर लेबर या आपको सब पता, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स भी आपको पता है,
डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्सेस सिंपल, FCRA भी नॉर्मली आप पढ़ते हो, फेमा पढ़ते हो, डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम ऑफ WTO. बेसिकली व्हेन द उरुग्वे राउंड ऑफ टॉक्स वाज गोइंग ऑन दैट कल्मिनेटेड इनटू द फॉर्मेशन ऑफ WTO इन विच डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम एंड डिस्प्यूट सेटलमेंट अंडरस्टैंडिंग वाज देयर दैट केम आउट बेसिकली इन द रिगार्ड. अगर कोई भी ट्रेड रिलेटेड डिस्प्यूट होगा तो उसको सॉल्व कैसे किया जाएगा, किसका कंक्लूजन है, उरुग्वे राउंड ऑफ नेगोशिएशन. एक बार ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि जब WTO बना था तो इससे पहले कौन से नेगोशिएशन चल रहे थे, उरुग्वे राउंड ऑफ नेगोशिएशन, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी. इट इज द जनरल काउंसिल इज WTO's हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी एंड इट इज द जनरल काउंसिल ऑफ WTO दैट विल बेसिकली बी मीटिंग एज द डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी. इट इज एसेंशियली अ पॉलिटिकल एंड इट एडमिनिस्टर्ड वेरियस रूल्स एंड प्रोसीजर विच आर देयर. Decisions are taken by the consensus method, towards consensus method. Asian Economic Trade Negotiation, dialogue simple. Eastern Economic Forum, 2015 में इसको establish किया गया, basically to support the economic development of Russia के Far East को, और उसको develop करने के लिए Asia and Pacific region के साथ cooperation भी आपको promote करनी. The participants that were there at this point of time was basically in the 5th summit of India are India, Malaysia, Japan, Australia and South Korea. Meeting was taking place recently in Russia and Vladivostok. Investment opportunities were being talked about and proposal of a maritime route connecting Chennai with Vladivostok was also being made. Online origin management system. It is basically in the context for exporters that it was in news to enable them to obtain a certificate of origin, ki kahan se origin hua hai, that was launched by Director General of Foreign Trade, DGFT. Priority sector lending, interest subvention scheme, aap sab padh chuke ho. Urea policy padh chuke ho. Fertilizer industry in India. India is basically the second largest consumer of urea when it comes to urea fertilizers after China. Also second in the production of the nitrogenous fertilizer, third in phosphate fertilizer, jab NPK padhte ho. Whereas the requirement of potash are basically met in the context of the imports that are being done in the country. It is also one of the 8 core इंडस्ट्रीज. आपको ये 8 कोर इंडस्ट्रीज के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए. UPSC में कई बार क्वेश्चन आ चुका है, विच आर द फॉलोइंग आर द कोर इंडस्ट्री दैट आर एसोसिएटेड विद इट. द प्राइमरी फर्टिलाइजर्स आर फर्दर बीइंग क्लासिफाइड टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स. फॉर एग्जांपल दे सप्लाई नाइट्रोजन दैट इज यूरिया, फॉस्फेटिक दैट इज डाई अमोनिया फॉस्फेट, पोटाशिक दैट इज म्यूरेट ऑफ पोटाश MOP फर्टिलाइजर. देर आर प्राइमरी के साथ साथ कुछ सेकेंडरी फर्टिलाइजर्स भी होता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर एंड सम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर ऑल्सो देयर, आयरन, जिंक, बोरन एंड क्लोराइड दे आर वेरी. न्यूट्रिएंट बेड सब्सिडी आप ऑलरेडी कर चुके हो, ये नॉर्मली पढ़ते हो, गंगा वाटरवे प्रोजेक्ट पढ़ चुके हो, जल विकास. दीज आर वेरी सिंपल, जो आप नॉर्मली भी जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे होते हो तो उस टाइम पे पढ़ोगे ही पढ़ोगे. नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन. इट इज बेसिकली अ टास्क फोर्स दैट विल बी ड्रॉइंग अप द नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन फॉर ईच ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2019-20 से लेकर 24-25 तक चलेगा. इट इज चेयर्ड बाई द सेक्रेटरी दैट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, विद अटेम्प्ट दैट they wanted to ensure that there is an amount of pipeline that is being created for which various greenfield and brownfield projects are being there. Longest electrified railway tunnel kahan pe milega aapko, Andhra Pradesh. Teaser loan, ye kafi news mein tha 2019 mein. Ek unofficial ki term ki tarah use kari jati hai for basically for the loans that will be offering comparatively low, a fixed interest rate initially for the initial year, but switch to floating rates, aur baad mein ye increase hota jata hai.
इसके कंटेक्स्ट में द दिल्ली पुलिस हैज लॉन्च अ तत्पर ऐप टू प्रोवाइड सेफ्टी एंड कन्वीनियंट ऑनलाइन मोड बेसिकली टू सिटीजंस। बेसिकली इन द रिगार्ड क्रीजर लोन की आपको पहले वाले बोलते हैं इनिशियल सालों में आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट और लो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा और बोलते हैं कि फिक्स होगा लेकिन बाद में इंक्रीज होता रहता है। सोसाइटी में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे इस साल के लिए, एमनेस्टी इंटरनेशनल एक एनजीओ ह्यूमन राइट वॉयलेशन के लिए कहाँ पे लंदन से, ह्यूमन राइट काउंसिल कहाँ पे है और कब बना, 2006 में, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। It is a peer review of the record of the human rights, how their human rights are being going on in the country. Around the world, it has been they are discussed. India mein bola gaya tha ki kafi jyada problems hai, discrimination is being done basically in the Jammu and Kashmir region pehle. Quit line number, basically in the context that to help the smokers or tobacco takers to quit them. India is the only SAARC country to have such a number on tobacco products ki quit line number hoga ki ho sakta aap mein se bhi kuch log khane peene wale hon to smokers or tobacco takers ko bole ki aap quit karo. Next is Gallows community. It is one of the major communities which dominate the Siang, Lepa, Rada, Upper Subansiri and Namsai districts which are there in the region of Arunachal. कम्युनिटीज वह आपको नॉर्मली पूछा जाता है कम्युनिटी कहाँ पे पाई जाती है, ऐसे कई बार क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। बिलोंग टू द तनी ग्रुप दैट इज बेसिकली इनहेबिटिंग असम एंड अरुणाचल प्रदेश रीजन अलॉन्ग विद द रीजन ऑफ तिब्बत, वहाँ पे भी वो रहते हैं। गैलो कम्युनिटी इज बेसिकली बींग रिकोगनाइज एज अ शेड्यूल्ड ट्राइब बाई द एक्ट ऑफ 19 ऑर्डर ऑफ 1950। मोपिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज द मेन फेस्टिवल ऑफ द गैलोज विच आर देयर, दे परफॉर्म पोपिर डांस ऑल्सो द गैलोज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बाथुकमा फेस्टिवल, फ्लावर फेस्टिवल है तेलंगाना का। इज अ वेरी सिंपल जो नॉर्मली आप पढ़ते ही हो। India can be has the second largest number of tobacco users that are there in the world. Arunachal Pradesh recently has inaugurated the state first community managed mini hydroelectric project at Dikshi. Arunachal Pradesh community managed mini hydroelectric project, aapko seedha statement aise ho sakta hai. Rural sanitation program 10 years hai. Center for social responsibility normally aap padhte ho. Neat. National Educational Alliance for Technology, very very important. Ministry of HRD ने किया है, किसके context में? This is basically a public or private initiative to harness the technology so that the technology can be used in a better way for higher education. It will be partnership of the companies using artificial intelligence so that learning can be made more and more personalized and customized in a way also. Emergency response support system. One of the key projects of the Ministry of Home Affairs under the Nirbhaya Fund that has been there. आपको एक नंबर मिलेगा through the 112 India mobile app पर। बाल बसेरा basically क्रेच की टाइप बनाया जाएगा for the welfare of children of the construction workers. Construction worker के बच्चों को help करने के लिए। एक बार revise करो। Just go through it once, थोड़ा सा जल्दी से।
एंड फ्रेंड्स, एक छोटी सी एडवाइस है टू ऑल द स्टूडेंट्स हु आर देयर, दिस इज़ अ टाइम पीरियड जब काफ़ी डर लग रहा होगा आपको एग्ज़ाम का कि पता नहीं मैंने पढ़ा हुआ है, याद नहीं आ रहा, मल्टीपल अदर थिंग्स आर देयर, कुछ लोग आपको प्रेशराइज कर रहे होंगे कि ये पढ़ लो वो पढ़ लो, एंड मल्टीपल थिंग्स आर देयर, ये इट इज़ अ वेरी कॉमन थिंग विच हैपन्स विद द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर UPSC, इट्स नथिंग न्यू. तो मैं आपको एडवाइस करूँगा, स्टिक टू द बेसिक्स, स्टिक जो भी आप पढ़ रहे हो बिल्कुल बेसिक्स को आप स्टिक करके रहो फर्स्टली, एंड सेकेंडली ये प्रेशर का टाइम है, प्रेशर को डील करने के लिए थोड़ा बहुत चाहे 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट डेफिनेटली करो. आप जिस भी भगवान को मानते हो, बी यू कमिंग फ्रॉम एनी रिलीजन, किसी भगवान को मानते हो या नहीं भी मानते हो, ठीक है, तो 10-15 मिनट उस भगवान का नाम ले लेना जिसको भी मानते हो आपकी श्रद्धा के मुताबिक, तो काफ़ी ज़्यादा एक मेंटल पीस सा मिलेगा तो आपको भी ठीक रहेगा. रॉबिनहुड टैक्स बेसिकली जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रही है उसके ऊपर लगाया जाता है. नेक्स्ट पे मूव करते हैं. तो जिस भी भगवान को आप मानते हो, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट से कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरे साल की तैयारी है, भगवान ने चाहा तो वहाँ पर याद आ जाएगा, नहीं चाहा तो पता ही है फिर तो क्या होता है. सो वट एवर यू आर प्रिपेयरिंग, 10-15 मिनट इज़ नॉट अ बिग डील कि आप पूरे दिन में से 24 घंटों में से 15 मिनट निकाल रहे हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, और ट्राई करना, थोड़ा सा आपको मेंटल पीस मिलेगा तो ट्राई करना कि अगर ऐसा कर सको तो, नहीं तो जैसे चल रहा है वैसे तो मस्त ही है. इंटरपोल बेसिकली एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो फैसिलिटेट करती है इंटरनेशनल पुलिस कॉपरेशन, अलग अलग पुलिस को कॉपरेट करने के लिए इंटरनेशनल. 192 मेंबर्स आर देयर, द हेडक्वार्टर इज एट लायंस इन फ्रांस. नोटिसेस आर इंटरनेशनल रिक्वेस्ट फॉर कॉपरेशन और द अलर्ट इज बीइंग मेड अलाउइंग द पुलिस इन मेंबर कंट्रीज टू शेयर दैट सर्टन अमाउंट ऑफ क्रिटिकल इंफॉर्मेशन दैट कैन बी शेयर In the country, for example, India, CBI is the nodal authority that executes and handles the issuance of Interpol notices in India. So very, very important, आपको ये पूछा जा सकता है कि इंडिया में कौन, अगर कोई भी नोटिस इशू हुआ है इंटरपोल से, इंडिया में कॉपरेट कोऑर्डिनेट या नोडल अथॉरिटी उसको एग्जीक्यूट करने के लिए कौन है. फॉरनर ट्रिब्यूनल्स आप नॉर्मली पढ़ते हो तो एक बार करवा देता हूँ. बेसिकली चाइनीज एम्बेसी गेट अमाउंट from China to manipulate Indian media. So does FCRA analyze the transactions, and there is some other authority to analyze these things. नहीं, अभिषेक जब आप embassies की बात जब करते हो तो वो financial transactions आपके account में नहीं आता. Normally for जब embassy आगे किसी को देगा and that is being made final कि यार ये पैसा इसको दे रहा है तो उसके बाद वो account में आ सकता है, लेकिन इनडायरेक्टली या डायरेक्टली एम्बेसी को, जैसे हम अपनी एम्बेसी को कहीं पे भी पैसा दे रहे हैं तो दैट विल नॉट बी काउंटेड, वो तो गवर्नमेंट का है ना, वो उसको वैसा काउंट नहीं किया जाएगा, दैट विल नॉट बी. लेकिन जब वो पैसा आप किसी को आगे दे रहे हो और वो गलत चीज़ में यूज़ किया जाता है तो फॉरन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA उसको एनालाइज करेगा. फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक गवर्नमेंट ने किसी NGO को पैसा दे दिया, फॉर एग्ज़ाम्पल चाइना ने किसी अपने NGO को पैसा दे दिया कि तुम इंडिया में किसी NGO को पैसा दे दो और ये आपके लिए गलत रिपोर्ट तैयार करेगा या सही तैयार करेगा, तो वो FCRA में आएगा, नॉर्मली पैसे में आएगा. अभी ठीक है अभिषेक? Foreigners Tribunal. It is basically a quasi-judicial body that is meant to determine whether a person is a foreigner or is not a foreigner. It is basically set up in 1964 and basically unique to Assam only. Arbitrator मतलब कि arbitrator क्या होता है, जो समझौता करवाने वाला हो, कुछ sort of love something like that. दो लोगों में बातचीत करवाने वाला हो. In rest of the, it is basically set up and is basically specific to Assam region. In rest of the country, the foreigners apprehended by the police from staying illegally is prosecuted in the local court, and later they will be put into the detention center also. Each foreign tribunal is headed by a member
who's basically a retired judicial officer, a bureaucrat and a lawyer, and there would be a minimum 7 years of legal practice उसने किया हो तभी वो हो सकता है foreign tribunals का head. This is a very very important point दोनों के दोनों. हाँ बस अभी ना this is approximately विकास जो कर रहे हैं कि ये वाला एक हफ्ते का काम रह गया है basically संडे तक I'll try to wind up all these things जो भी चल रहा है. इसके बाद जो डेली का एनालिसिस शुरू करेंगे डेली एनालिसिस में कैसे करेंगे जो भी डेली के न्यूज़पेपर आ रहा है और उसकी डेली का डेली या हफ्ते में 4-5 दिन वो करने की कोशिश करेंगे सो दैट करंट अफेयर आपका एक सही तरीके से हो जाए. बस ये वीक का है बिकॉज दिस इज़ द वीक दैट इज़ देयर और जो इस स्टूडेंट्स जो अभी पेपर दे रहे हैं उनकी हेल्प हो जाएगी. स्पेशल प्लेस ऑफिसर तो एमनेस्टी इंटरनेशनल एनजीओ है अभी हमने करा है. इंटरनेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बताया है. गिरने का प्रोग्राम अभी थैंक यू. बेसिकली रवांडा में नॉर्मली एक ट्रेंड टाइप है गवर्नमेंट की स्कीम भी है सोशल प्रोटेक्शन स्कीम बेसिकली इन द रिगार्ड दैट पुअर फैमिलीज आर बीइंग गिवन. ठीक है बढ़िया. Poor families are being given cows by the Rwanda government, and they give the first female to the neighbor to protect their brotherhood also. Or, वो अपने जो first female होगी वो आगे उसको भी देंगे. India gifted 200 locally bought cows to villagers from the Raveru village for Girinika. That was it. Girinika program Rwanda वाले देते हैं और इन मोदी साहब वहाँ पे गए थे तो उनको भी दिया है. इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम इसके रिलेटेड पहले भी क्वेश्चन आ चुका है और फिर भी आ सकता है. इट बेसिकली द रीजनल फोरम फॉर इंडियन ओशन जो लिटरल स्टेट लिटरल मतलब साथ वाली स्टेट्स है 2008 में किया था एक वॉलंटरी इनिशिएटिव लॉन्च किया था और इसको द चार्टर ऑफ द बिजनेस वॉज अडॉप्टेड इन 2014. द फोरम हैज अ वर्किंग ग्रुप ऑन ह्यूमन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ information security and interoperability and maritime security that is anti-piracy. 35 members including Pakistan, they basically are the members. Japan and China both are basically the observers to it. Houthi insurgent news mein the, kaun si country mein hai? Basically in the country of Yemen they are there. Stockholm peace agreement, very very important. It basically a ceasefire agreement hai between the Yemen Houthi rebels and the Yemen forces that are there. The agreement was reached in a talk that was mediated between by the United Nations in Stockholm. International Criminal Court ko aapko sufficient pata hoga. Gillette's Jones movement, the Yellow Vest protest that has been there. Basically, it was a protest that took place in the region of France. Against an increase in the fuel taxes that were there that led to higher cost of living and various other issues that were there. Chal raha tha September mein phir. Christchurch call to action. Basically, it was an action that was taken by New Zealand and France in the context that online extremism ko kafi jyada spread kiya ja raha hai. Uske liye voluntary, collective or voluntary action from the government and from the online service provider ko support kiya jayega. US decided to join this call. India also signed this call to action in that regard and aim that the internet pe jo bhi extremism ko promote kiya ja raha hai usko roka ja sake. When the meeting was held in Paris, it was attended by the Microsoft, Google, Twitter, Facebook and Amazon. NSG apne kiya hi hoga. Revolving door arrest, very very important. It has a point that has been adopted by Jammu and Kashmir police for a short period. Basically, कुछ लोगों को youth was held, उनको पकड़ के रख लिया जाता था कुछ time के लिए जब streets में clashes होती थी पूरे के पूरे valley region में और जैसे ही थोड़ा सा clashes शांत होते थे तो उनको release करते थे. इसको बोलते हैं रिवॉल्विंग डोर अरेस्ट जम्मू एंड कश्मीर में इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए. सर क्रीक स्ट्रीट सबको पता ही है. कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल इट वॉज बेसिकली अ स्कैंडल दैट टुक प्लेस इन 2018. इट वॉज रिवील्ड दैट
कैम्ब्रिज एनालिटिका हैज हार्वेस्टेड द पर्सनल डाटा ऑफ मिलियंस ऑफ द पीपल फ्रॉम द फेसबुक प्रोफाइल्स एंड द कंसेंट वाज नॉट टेकन, और उसके बाद पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग पर्पस के लिए सबको यूज किया जाता था. देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट दैट कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल दैट वाज डिक्सन मिशन. 5 मेंबर मिशन है, मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय इंडिया एंड पाकिस्तान एंड 3 इवेंचुअली ब्रोकर्ड इन दैट. In the end that we wanted to end the hostilities that took place between India and Pakistan earlier in 1949. Dixon plan jo aapko pehle bhi hum kar chuke hain led to the partition of some areas of Jammu and Kashmir India or Pakistan ke context mein. Ladakh was given to India. Ye kal bhi kiya tha. ASEAN everyone must be doing. ए जियो पोलिटिकल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है विद 10 मेंबर कंट्रीज दैट आर देयर फॉर्मड इन 1967. इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड अब ये फाउंडिंग मेंबर्स है. याद रखने के लिए टिम्स TIMPS थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस एंड थाईलैंड. लेटर ऑन द मेंबरशिप वॉज एक्सटेंडेड टू इंक्लूड ब्रुनई, कंबोडिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक लाओ, Myanmar and Vietnam. These were the countries that were there. It is thus ASEAN is India's 4th largest trading partner in that. India, Thailand exercise that has been there is Korpat. Navy was there. Maitrayi is between a joint military exercise between India and Thailand. युद्ध अभ्यास इज विद ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया एंड यूएस आप पढ़ रहे हो. TSENTR 2019 एनुअल सीरीज ऑफ लार्ज स्केल एक्सरसाइज दैट फॉर्म बेसिकली अ पार्ट ऑफ द रशियन आर्म फोर्सेज ट्रेनिंग साइकिल. रशिया के साथ साथ चाइना, इंडिया एंड कजाकिस्तान वाज आल्सो प्रेजेंट. स्ट्रीनेक्स एक वाइट बायलेटरल मैरिटाइम एक्सरसाइज है इंडिया और श्रीलंका में. सिमटेक्स बेसिकली मैरिटाइम एक्सरसाइजेस है सिंगापुर, थाईलैंड एंड इंडिया में. मालाबार बेसिकली एक ट्राइलिटरल एक्सरसाइज है नेवी की इंडिया, यूएस और जापान बेसिकली. आपको ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है और जा भी चुका है कि एक एक्सरसाइज कौन सी एक्सरसाइज किसके बीच में होती है. कजिन 2019 मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और कजाकिस्तान के. हिम विजय एक्सरसाइज इज बेसिकली प्लान्ड बाई इंडिया इन द नॉर्थ ईस्ट टू टेस्ट द वॉर फाइटिंग एबिलिटीज ऑफ बेसिकली न्यूली रेज 17 माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स इन अरुणाचल प्रदेश. उसके लिए हिम विजय एक्सरसाइज है बेसिकली एबिलिटीज को चेक करने के लिए. समुद्र लक्ष्मण बेसिकली इंडिया और मलेशिया नेवी के कंटेक्स्ट में एक बायलेटरल एक्सरसाइज हुई थी समुद्र लक्ष्मण. Some development that took place in the context of science and technology. Kemog 226T utility है. बहुत ही ज़्यादा न्यूज में है. कोई भी इंडिया रशिया आ जाएगा तो ये Kemog 226T वहाँ पर हेलीकॉप्टर आएगा ही आएगा. किसका है एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड रशिया दैट रशिया वुड बी प्रोवाइडिंग 200 सच हेलीकॉप्टर्स टू इंडिया. इट वुड बी रिप्लेसिंग द चेतक दैट वुड बी देयर एजिंग चेतक. 600 किलोमीटर की रेंज है, 205 स्टॉप स्पीड है. Can easily land safe, even if the engine fails. Lithium cell, iron cell production initiative government plan है. Electric vehicles 100% तक introduce करने हैं 2030 तक. High energy density is that was required. Lithium iron cells they hold their charge longer than any other alternative, जिसकी वजह से उसको use करने की कोशिश हो रही है. It can also handle several charge-discharge cycles without any hassle. Technology battery has been developed by ISRO. Light combat aircraft Tejas indigenously bana hua hai. Aeronautical Development Agency or HAL ke context mein single seat multi-role fighter jet hai. Single engine hai. Mid-air refueling ki possibility bhi provide.
लिमिटेड रीच ऑफ अवर 400 किलोमीटर्स दैट कैन बी देयर, स्टेट ऑफ आर्ट एडेड इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम भी यूज़ किया जाता है, मीजल्स एंड रोबेला एवरीवन, प्रोजेक्ट 75 आई सबको पता है, 75 पता है, ट्रेन 18 और वंदे मातरम एक्सप्रेस, ये हमने पहले भी किया है, सेल्फ प्रोपेल्ड ट्रेन है, इंजनलेस ट्रेन है, इज एनर्जी एफिशिएंट एंड कोचेस फिटेड विद एलईडी लाइट्स, 100% मेक इन इंडिया है, पहले भी हम कर चुके हैं सेम। आदित्य L1 मिशन है, 2019 के कंटेक्स्ट में था, फर्स्ट सोलर मिशन बाय इंडिया दैट विल स्टडी द सन्स आउटर मोस्ट लेयर दैट इज द फॉस्फोर लेयर, फोटोस्फियर दैट इज अ सॉफ्ट एंड हार्ड एक्सरे वुड बी देयर, क्रोमोस्फियर, यूवी एंड कोरोना विजिबल एंड NIR के कंटेक्स्ट। इट विल कलेक्टिंग द डाटा अबाउट द कोरोनल मास इजेक्शन दैट इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम देयर दैट विल बी प्रोवाइडिंग यील्डिंग द इंफॉर्मेशन फॉर स्पेस वेदर प्रोडिक्शन दैट वुड बी टेकिंग प्लेस। इट इज आदित्य 1 सैटेलाइट विल बी प्लेस्ड एट अ हेलो ऑर्बिट अराउंड द लैग्रेंजियन पॉइंट L1 that of the sun. Basically Lagrangian points, 5 points होते हैं, 5 point अलग अलग, वैसे point है जहाँ पर आप approximately कोई भी चीज़ को place कर सकते हैं, वहाँ पर कोई भी mission को send करना है तो वहाँ पर कर सकते हैं। Change formation basically by China, it has become the fourth mission in the country's lunar series in that regard. Chinese moon goddesses. Udan Rakhi Gadi project. There have been a successful genoming that has basically been done of an individual from the Harappa sites. One of the sites was Rakhi Gadi. Study found that the hunter gatherers of South Asia had an independent origin and authored the settled way of life to the world. कौन सी क्लास, मतलब कि जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, मतलब जो अभी जुलाई अगस्त सितंबर, वो जो अब जुलाई और अगस्त वाले में ऑलरेडी कर चुके हैं। अभी दो तीन दिन पहले जो क्लासेस चल रही थी उसके कंटेक्स्ट में किया था, ट्रेन 18 द वंदे मातरम एक्सप्रेस। जिंजीवर पर्नेस एंड जिंजीवर दिमा पुर्नेस बेसिकली फ्रॉम नागालैंड, दे आर बेसिकली टू न्यू स्पीशीज ऑफ जिंजीवर कॉमनली रेफर टू एज जिंजर इन नागालैंड दैट इज। नेक्स्ट इज मोतिहारी अमलेखगंज एनर्जी पाइपलाइन, कहाँ का है, 2015 इंडिया और नेपाल के बीच में 69 किलोमीटर की पाइपलाइन है दैट वुड बी प्रोवाइडिंग अ क्लीनर पेट्रोलियम प्रोडक्ट एट एन अफोर्डेबल कॉस्ट टू द पीपल ऑफ द नेपाल रीजन। गोल्डन एरोज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अरे बढ़िया क्या बात है, गोल्डन एरोज, इट इज इंडियन एयरफोर्स ऑन हैज सेड दैट restructured the Air Force Station Ambala Base 17 Squadron Golden Arrow. And now they will be, which will operate the first squadron Rafale air jetters in the air jet in the near future. Dubara se Indian Air Force Station ki Ambala ban chuki hai. Ha, tin chilis ko bhi kiya tha. K2-18b, ek exoplanet hai that is 8 times the mass of the Earth and twice as big. Discovered in 2015, it is also said that one of the hundreds of the so-called super Earth planet with less than 10 times of the mass of ours spotted by NASA's Kepler spacecraft. Shastra Ramanujan Prize for 2019.
इट विल कैरी अ सिटेशन एंड अ डॉलर 10,000 विच विल बी कन्फर्ड एनुअली ऑन मैथमेटिशियंस अराउंड द वर्ल्ड, जिनकी एज 32 ईयर से कम होगी, दे वर्किंग इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स. एवरी ईयर द प्राइज इज अवॉर्डेड बाई शास्त्र यूनिवर्सिटी में दिया जाएगा. दिस इज द फर्स्ट मेडल दैट इज बेसिकली स्पेसिफाइड टू द डीलिंग विद मैथमेटिक्स. Next is digital investigation on training and analysis center, basically to deal with the newer forms of cyber threats that are there. Kahan pe hai? First such center has been established in Haryana. Kanak family of floating satellites. Kanak 1 to 4 are basically characterized by the unique structures. Everything clean, cool technology. जब आप environment पढ़ रहे होते हो तो आप देखते हो. All India Survey for Higher Education, AISH. Basically, Ministry of HRD ने इसको किया है. That conducts annual web-based survey of higher education. All it is being done in the country since 2011. It is being undertaken. Categorized into three broad categories: university education, college education, and standalone education, which is being provided. आपको normally पूछा जा सकता है, ऐसे क्या है जब, for example, किसने किया हुआ इसको? Vikram Sarabhai, born in 1919, considered as the father of India's space program in that regard. He was played a very important role in establishing a physical research laboratory in Ahmedabad in 1947, just after independence. He also established a Indian National Committee for Space Research 1962, and later it was named as ISRO. Also helped in the setting up of the Thumba Equatorial Rocket Launching Station at Trivandrum. Later it was named as Vikram Sarabhai Space Center. He also worked on India's first satellite, that is Aryabhata. Navik hum already kar chuke hain. NCRT, aap, for example, Gurpreet, aap jo bhi kar rahe ho, pad rahe ho, for example, history, geography, politics, etc. When it is being covered in the class, उसमें हम NCERT already ही cover करवाते हैं. New Millennium Indian Technology Leadership Initiative. आप पूछा है किसका initiative है? It is basically CSIR का initiative. It is the largest public-private partnership effort that is being done within the research and development domain in the country. That they wanted to catalyze innovation-centered scientific and technological development that are taking place, so that as a vehicle to attain Indian industry a comparatively a global leadership position in those areas which are comparatively untouched areas. Fifty network projects are, for example, agriculture context, plant biotechnology context, wherever they would be working. EABER, it is basically the election commission of India has hosted in that regard the fourth general assembly for association of the world election body, kahan pe hua hai, Bengaluru, very very important. It is the largest association of the election management body that is done worldwide. एस्टैब्लिश हुआ था 2013 में साउथ कोरिया. समुद्रयान प्रोजेक्ट, बेसिकली इट इज अ प्रपोजल टू सेंड अ सबमर्सिबल व्हीकल विद 3 पर्सन टू अ डेप्थ ऑफ 6,000 मीटर्स, सो दैट वी आर इन अ पोजिशन टू कैरी आउट द अंडर वाटर स्टडीज अच्छे तरीके से किया जा सके. समुद्रयान प्रोजेक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट.
is a part of the deep ocean mission expected to be undertaken by 2021-2022. कौन डेवलप कर रहा है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी. ये क्या है? एक ऑटोनॉमस सोसाइटी है. कहाँ पे? अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस. अपाचे हेलीकॉप्टर द मोस्ट एडवांस्ड मल्टी रोल हैवी अटैक हेलीकॉप्टर्स ऑफ द वर्ल्ड एंड आर नोन एज फ्लाइंग टैंक्स. फ्लाइंग टैंक इनको बोला जाता है. इट इज़ अ ऑल वेदर हेलीकॉप्टर. द वर्टिकल रेट ऑफ इज 2000 फीट पर सेकेंड. इट मैक्सिमम स्पीड 279. बहुत अस्त्र मिसाइल हम ऑलरेडी कर चुके हैं. सल्मोनेला इट इज बेसिकली अ ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया दैट कैन कॉज द फूड बॉर इलनेस नोन एज सल्मोनेसिस बिकॉज इट इज अफेक्टिंग द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट. WHO ने आइडेंटिफाई किया इट एज वन ऑफ द फोर की ग्लोबल कॉजेज ऑफ द डायरिया डिजीज जिसकी वजह से होता है. रुस्तम टू DRDO अनमैन्ड एरियल व्हीकल है. द मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन दैट हैज बीन देयर. INS नीलगिरी इट इज नेवी फर्स्ट स्टेल्थ फ्रिगेट. INS नीलगिरी है. प्रोजेक्ट 17A का फर्स्ट शिप का ये पार्ट. सीधा नॉर्मल डायरेक्टली पूछा जाएगा. पैराक्वाड इट इज बेसिकली अ टॉक्सिक केमिकल दैट इज वाइडली यूज्ड एज एन हर्बिसाइड दैट इज प्लांट किलर प्राइमरी फॉर द वीड एंड ग्रास कंट्रोल के लिए. पैराक्वाड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इवन मेंशन इन जो आप जब के बुक पढ़ते हो एनवायरमेंटिकली ICSE की बुक पढ़ते वहां पर मेंशन है. INS विक्रमादित्य इंडिया ओनली एयरक्राफ्ट कैरियर मॉडिफाइड की क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर का पार्ट है. क्या है ये? इन सर्विस सिंस 2013. एक बार इतना रिवाइज करो फिर आगे मूव करते हैं. उसको साथ साथ में जल्दी जल्दी से देखते जाओ, आंखों की आगे से निकालते जाओ. और एडवाइस ये है सबको कि एक बार यार डेफिनेटली इसको जल्दी से पढ़ लेना बिकॉज दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. जस्ट रिवाइज इट आफ्टर द क्लास ऑल्सो. उसके बाद आपको काफ़ी आसान रहेगा. गुरप्रीत अभी क्या पढ़ रहे हो आप?
एनसीईआरटी के साथ क्लास नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। द क्वेश्चन दैट आर देयर फ्रॉम पॉलिटी एफसीआर। एनसीईआरटी के कंपाइल्ड वीडियो तो आई डू नॉट नो, मेरे पास तो नहीं है, बट हमारा अपना एनसीईआरटी का सिनॉप्सिस है दैट यू कैन रीड। जो भी इम्पोर्टेंट बुक्स है उसको 5 बुक्स में हमने कन्वर्ट कर दिया है, उतना उतना पढ़ लोगे तो वो ठीक रहेगा। एफसीआर बेसिकली रेगुलेट करेगा एक्सेप्टेंस एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द फॉरेन कंट्रीब्यूशन, जैसे आपको बोल रहे थे पहले। सफिशिएंट, आप एक बार पढ़ो और उसके बाद अगर कुछ नहीं मिल रहा तो हमें बताइए, वो ज़्यादा हमें भी ठीक रहेगा। कि अब नोट्स देखो, उसके बाद आप ऑलमोस्ट नहीं एवरीथिंग इज बीइंग कवर्ड। बेसिकली रेगुलेट करता है एक्सेप्टेंस एंड यूटिलाइजेशन को फॉरेन कंट्रीब्यूशन जो इंडिविजुअल या एसोसिएशन में होता है। इट इज़ रिक्वायर्ड दैट ऑल एनजीओस, आप इसी ऑफिशियल नंबर पे कभी भी कॉल कर सकते हैं, तो दे वुड बी गाइडिंग यू कि कैसे वो आप उसको परचेज कर सकते हैं। 9910133084। इट इज़ रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर अ लाइसेंस और उसके बाद ही आप फॉरन फंडिंग ले सकते हो। इसके लिए एन जी ओ कम से कम 3 साल पुरानी होनी चाहिए एंड देयर स्पेंडिंग मस्ट बी अप्रॉक्सीमेटली 10 लाख ओवर 3 ईयर्स प्रोसीडिंग द डेट दे आर अप्लाइंग। नहीं, कोई इशू नहीं होगा, आप नोट्स अच्छे तरीके से पढ़ोगे तो हो जाएगा। एन जी ओ इज़ अ परमानेंट एफ सी आर ए विद अ परमानेंट एफ सी आर ए लाइसेंस will be in a position that they will be renewed every 5 years. Shall it will not be spending more than 55% of the foreign contribution in any year to meet the administrative expenditure. ऐसा नहीं कि जितना पैसा आ रहा है उसमें से 50% आप administrative expenditure तक लगा दो, पूरा ही लगा दो, 50% से ज़्यादा नहीं है। और without prior approval of the central government, आपको पूरे का पूरा validate करवाना पड़ेगा bank account पूरे कहाँ से पैसा आ रहा है। And all NGOs registered with FCRA should receive the foreign donation as single bank account only. ऐसा नहीं कि कुछ पैसा इसमें आए कुछ पैसा इसमें आ गया, एक ही जगह पे आपको आए। फेमा भी आप ऑलरेडी पढ़ी चुके, मनरेगा आपको आता है, ऐसे बता दिया। सेंट्रल एडवर्स लिस्ट, एटलीस्ट 312 इंडियन ओरिजिन सिख हु आर लिविंग बेसिकली इन द फॉरेन कंट्रीज, दे हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम द एडवर्स लिस्ट बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड देयरफॉर नाउ दे आर इन अ पोजीशन टू एंटर टू अप्लाई फॉर इंडियन वीजा एंड दे आर ऑल्सो अलाउड टू विजिट द कंट्री ऑल्सो। द लिस्ट वॉज प्रिपेयर्ड आफ्टर द एंटी सिख राइट्स दैट टुक प्लेस इन 1984 because of which many young men from the community that took part in the secessionist movement that took place, जिसको खालिस्तान भी बोला जाता है, UCC, everyone must have read, जन सूचना पोर्टल इसने है launched by the government of Rajasthan. It's a remarkable achievement to furtherance the right of the information so that proactive steps लिए जाएं उसको disclose करने। नेशनल पॉपुलेशन नहीं, आपको दिया था ना, जो भी आपको नोट्स चाहिए तो आप क्लास के बाद उनको कॉल कर। एक्चुअली होता क्या है ना कि एक लिमिटेशन समझिए थोड़ा सा टाइम की, मैं हमेशा बोलता हूँ, क्योंकि नॉर्मली क्या आता है कि स्टूडेंट जो ऑफिशियल हमारे लोग आते हैं वो 10 बजे आते हैं और शाम को 6 बजे चले जाते हैं। 10 के भी 10:30 कर देते हैं, लेकिन 6 का 6:30 कभी नहीं करते। If you message me in the morning or in the evening, तो मेरे आई एम अनेबल टू डू द थिंग्स।
तो ऑफिशियल टाइम में आप मैसेज करेंगे जो और भी स्टूडेंट्स हैं, तो आई एम इफ दे आर एबल टू रिस्पॉन्ड टू द थिंग। लेकिन जैसे नॉर्मली बहुत बार होता है कि जो नहीं होना चाहिए, नॉर्मली सुबह 6 बजे द स्टूडेंट दे स्टार्ट कॉलिंग एंड दिस इज नो टाइम, या रात को 10 बजे 11 बजे दे स्टार्ट कॉलिंग। मेरे को नहीं लगता कि दिस इज एन टाइम दैट यू शुड बी कॉलिंग। अगर फॉर एग्जाम्पल आपके भी पेरेंट्स हों तो आप उनके साथ बैठे हो, तो उनको भी अच्छा नहीं लगेगा ना कि यार ये क्या है अभी सारा से दिन रात काम ही नहीं खत्म हो रहा। काम करना अच्छी बात है, लेकिन इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी फ्री ऑल्सो। तो अगर आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, आप कहीं पे पोजीशन पे हो, फॉर एग्जाम्पल यू गेट सेलेक्टेड इन टू आई एस, रात को आपको 12 बजे भी कॉल कर रहा है, हाँ जी सर ये मेरे को छोटी सी प्रॉब्लम आ रही है, एक चीज़ समझाइए कैसे होता है, नो वन विल बी लाइक दैट। तो आप ऑफिशियल टाइम में करिए, तो जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है वो वेलिकल हो जाए। इट इज बेसिकली एन पी आर रजिस्टर्ड ऑफ द यूजुअल सिटीजन्स रेजिडेंट्स हु आर देयर इन द कंट्री, प्रिपेयर एट द लोकल सब डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट स्टेट या नेशनल लेवल अंडर द सिटीजनशिप एक्ट 1955 एंड द सिटीजनशिप रूल 2003। इट इज मैंडेटरी दैट एवरी सिटीजन हु इज देयर शुड बी रजिस्टर्ड विद द एन पी आर। इट विल बी वुड कंटेन द डेमोग्राफिक एज वेल एज द बायोमेट्रिक डिटेल्स। ऑर्डिनरी सिटीजन किसको माना जाता है, इज डिफाइंड एज अ पर्सन हु हैज रिजाइडेड इन अ लोकल एरिया फॉर पास्ट 6 मंथ्स एंड मोर, और अ पर्सन हु इंटेंड टू रिजाइड इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स ऑल्सो। उसको हम इन दैट केस ऑर्डिनरी सिटीजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि उसको ऑर्डिनरी सिटीजन भी माना जाएगा। आपको इस 6 महीने का पता होना चाहिए। Census, it would be the RGI Register General of India that would be conducting the census. 2021 census exercise would be carried out digitally in that regard. पहली बार होगा कि we are moving from a digital to a paper format. NPR exercise is different from the census and it is not linked with the National Register for Citizens at all. ऐसा सरकार कह रही है। Article 130, it says that Supreme Court mats may sit at other places other than Delhi also on the order of the Chief Justice of India with the prior approval of the President. In that regard, sirf President ka approval necessary hai, CGI is not required to consult any other person or any other authority, very very important, directly aapko seedhi line wale aise question aata hai। और अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बनाओगे तो आपको बेंचेस बनाओगे सुप्रीम कोर्ट के, आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी कैरी आउट करने की जरूरत नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फाहिमा शरीन एंड स्टेट ऑफ केरला, केरला हाई कोर्ट ने बताया है, डिसीजन लिया है दैट राइट टू इंटरनेट, एक्सेस टू इंटरनेट इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट। केस का आपको पता है। It was in the case of Sabu Matthews George versus Union of India and others in 2018 that Supreme Court ne declared kiya tha that right to access to internet is basically a fundamental right. Aur United Nation Human Rights Commission ne has passed a non-binding resolution jisko bola hai the access to internet is basically a part of the basic human right. Directly aapko ye statement se hi question ban sakta hai ki UN HRC ने क्या बोला है, इंडिया में कौन सी कोर्ट में कौन से केस में डिसीजन लिया गया, तो वो आपको पता होना चाहिए। द स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन कैन बी देयर फ्रॉम दिस पार्ट। जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन यूरोपियन यूनियन का है, जिसको इसमें एक मैंडेट किया जाता है that every citizen of the European Union का data should be stored within the European Union. Next, history, another art and culture that has been there. In this one, basically it was discovered in 2010. Rare species है, किसका? Primitive human that roamed in the forest, basically in the region of around Eurasia in 2 lakh years ago, and they have made tools and even jewelry at that point of time. Kafi developed log the wo us time. They have so far only been located in
the Denisova cave, a cave that is there in the Altai mountains, that is there in Serbia, in Siberia, in region of Russia. Copper sphericides contain the earliest radioactive carbon archaeological evidences in America. कहाँ पे है? सोलमन रिवर. सलमन रिवर. सलमन रिवर कहाँ पे है? यूएस. फिफ्थ इंटरनेशनल रामायण फेस्टिवल ICCR ने दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया. फिरोज शाह तुगलक इज नोन एज द फादर ऑफ इरिगेशन डिपार्टमेंट बिकॉज इट वॉज ही हु कैरिड आउट द वर्क्स रिगार्डिंग गार्डन्स एंड कैनाल्स एंड बिल्ट वेरियस कैनाल्स ऑफ देम. Not only this, other work that was undertaken by him are Diwan e Khairat for charity ke liye banaya gaya tha office, Diwan e Bandagan basically slaves ke development ke liye. He also established serais and rest houses for the benefit of the merchants and the travelers who are traveling in his domain. Naukhai basically harvesting festival hai Odisha. Saraswati Samman दिया जाता है इफ अ पर्सन डज अ एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क इन लिटरेरी वर्क इन द कंटेक्स्ट ऑफ एनी ऑफ द शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस दैट आर देयर एंड पब्लिश्ड इन 10 ईयर प्रोसीडिंग द स्पेसिफाइड अवार्ड ईयर. सिटेशन दिया जाता है, प्लेक दिया जाता है एंड अवार्ड मनी ऑफ 15 लाख. प्रेजेंटेड बाई के बिरला फाउंडेशन. टाइम बैंक बेसिकली मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने एक हैप्पीनेस डिपार्टमेंट प्लान किया है बेसिकली टू सेट अप अ टाइम बैंक. इट वुड लेंड करेंसी टू एन आर्म विच वुड बी एक्सचेंज टू सो दैट टू अ न्यू स्किल कैन बी लर्न विदाउट द नीड फॉर एनी पेपर मनी. फर्स्ट टाइम टाइम बैंक जापान में किया गया था 1973 में. आज 500 से ज्यादा सच कम्युनिटीज आर देयर अराउंड द वर्ल्ड वहां पे स्किल को डेवलप करने के लिए. लद्दाखी शॉन्डोल डांस बेसिकली रॉयल डांस है लद्दाख वाले रीजन का दैट हैज एंटर्ड इनटू द गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड. देखो अगर शनु हमारे हिसाब से अगर आप रेगुलरली पढ़ोगे 7 to 8 hours, 8 hours आप रेगुलरली पढ़ोगे फॉर 1 year एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज विद अंडर गाइडेंस. गाइडेंस से आप पढ़ोगे तो एग्ज़ाम को क्लियर करने के काफ़ी हद तक चांसेस हैं. नो नीड टू रीड फॉर 15 hours, 16 hours एक्सेट्रा एक्सेट्रा. एन नंबर ऑफ पीपल हैव बीन क्लियरिंग विद प्रॉपर गाइडेंस. 8 घंटे पढ़ोगे दैट इज मोर देन सफिशेंट टू क्लियर द एग्ज़ाम. So the most important thing is not spending the time, but it is the guidance that is the most important. मैं हमेशा एक चीज़ पे फोकस देता हूँ जो स्टूडेंट्स मेरे को जानते हैं वो उनको पता है. जैसे बुक्स तो बात ही नहीं है ना कोई आज के टाइम में यार. एवरी वन नोज कि इन्वायरमेंट के लिए शंकर पढ़नी है, जोग्राफी के लिए NCERT+ और पढ़ लो, इस मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ लो, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पर एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ये तो फंडा ही नहीं है ना कि किताबें बता दो भाई मेरे को यार कौन सी पढ़नी है. अगर सिर्फ इतना ही होने लगा तो 2018 एंड 2019 में प्रीलिम्स की कट ऑफ 98 मार्क्स नहीं जानी थी 200 में से. नो प्रॉब्लम. तो यहाँ पे 98 मार्क्स उस टाइम पे 98 मार्क्स थी 2018 में जब पॉलिटी के अप्रॉक्सीमेटली 21-22 क्वेश्चंस आए थे. तो ये तो बात ही दिमाग से निकाल दो कि किताबों से पेपर आ जाएगा. इट इज़ ओनली द बेसिक्स और उसके ऊपर वाला जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है और सबसे ज़्यादा है गाइडेंस. आपने एक चीज़ देखी होगी, कुछ लोग होते हैं वो 2.5-3 महीने पढ़ते हैं और प्री निकाल के ले जाते हैं. कुछ लोग होते हैं वो 3-4 साल से पढ़ ही रहे हैं और उनका प्री नहीं निकलता. द ओनली थिंग देयर इज उनको पता होता है क्या नहीं पढ़ना है. और आजकल के टाइम में इतने आई वुड से बहुत बार आप बोलते हैं यूट्यूब बाबाज आर देयर, तो वो सब कुछ गाइडेंस देने के लिए बैठे हुए हैं जिसका खुद कभी प्री नहीं क्लियर हुआ. तो पता ही आपको फिर आगे क्या गाइड करेंगे. इट इज 7 to 8 hours विद प्रॉपर गाइडेंस इज सफिशिएंट. अकोबा प्रोसेस बेसिकली हसमाइट किंगडम ऑफ जॉर्डन ने एस्टेब्लिश किया था
so that they can counter radicalism and extremism that is developing in Arab world, and a moderate form of Islam can be put forward. राखी गिड़ी हम अभी करे हैं. पेंगोंग सो लेक वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट कोल ब्लॉक दैट हैज बीन देयर. डेउचा पंचमी कोल ब्लॉक ऑफ अब्राहम कोलफील्ड एरिया इज द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट. इट इज सिचुएटेड इन द रीजन ऑफ वेस्ट बंगाल. बैटल गाइड एवरी वन हैज रेड इट. सांगपुर रिवर आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. येलो रिवर इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ चाइना. ऑथीज बताया है. काकीनाडा डीप वाटर पोर्ट कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में. डीप वोर या दिपोर व्हील कहाँ पे है? असम वाले रीजन पे. तो परमानेंट फ्रेश वाटर लेक है ये ब्रह्मपुत्र रिवर. बहुडा रिवर माउथ कहाँ पे है? उड़ीसा में. जंजीवार हम कर चुके हैं. अब क्विक या वर्क क्विक एंड खुरासे फैसिलिटी इट इज बेसिकली लोकेशन है कहाँ पे? सऊदी अरेबिया में. सियाचिन ग्लेशियर इज द फिफ्थ लार्जेस्ट ग्लेशियर इन द काराकोरम रीजन. सेकेंड लार्जेस्ट ग्लेशियर द वर्ल्ड इन दैट रीजन. द एक्साइचन इज लोकेटेड इन दिस पार्ट. कंडालेडू रिजर्वर या डैम कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में. धौलावीरा साइट ऑन विच आइलैंड? आइलैंड मतलब मेरे को इतना धौलावीरा गुजरात में सफिशेंट है, इससे आगे नहीं पूछे. कॉपर्स फेरी साइट इट कंटेन द अर्लीस्ट रेडियो कार्बन डेटेड आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस इन अमेरिका. जो अभी किया हमने. चौप्राया रिवर कहाँ पे है? मेजर रिवर इन द रीजन ऑफ थाईलैंड. एक्चुअली फ्रेंड्स एक छोटी सी बात आपको बताता हूँ. मेरे को बहुत कुछ नहीं पता यूपीएससी का और ये मैं क्लियरली बोलता हूँ, लेकिन मेरे को इतना पता है कि अगर इतना ये 40% है यूपीएससी का सिलेबस, 40% सिलेबस है और यहाँ से 80 क्वेश्चन आते ही आते हैं. ये है आपका 60% और इसमें से 20 क्वेश्चन आते हैं. मेरी इस पे पकड़ बहुत जबरदस्त है इस चीज पे. ये चीज मेरे को आती नहीं है और मैं क्लियरली बोल देता हूँ ये नहीं मेरे को आता, बिकॉज आपको यार 80 क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप 80 में से 60 ठीक कर लोगे प्री भी निकल जाएगा. मेरा फोकस हमेशा इस पे होता है. आई एम नेवर इंटरेस्टेड इन दिस रीजन कि एक्स्ट्रा ये कर लो. एक पॉइंट पढ़ने के लिए बच्चों को 100 पेज पढ़ा दो, एक क्वेश्चन आ सकता है. मेरा जो कोर एरियाज है उसको फोकस करो और वहां से निकलेगा. परमाफ्रॉस्ट इट इज बेसिकली डिफाइंड एज अ ग्राउंड दैट मे बी अ सॉइल और अ रॉक कंटेनिंग आइस दैट कंटेन्स एट और बिलो 0 degrees Celsius. वहाँ पे एटलीस्ट फॉर अ टू कंसेक्टिव कम से कम 2 साल बैक टू बैक वहाँ से बिलो 0 degrees Celsius वहाँ पे टेम्परेचर रहेगा. द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एज एन एरिया ऑफ द परमाफ्रॉस्ट दैट इज थ्राइस द लार्जर देन द अंटार्कटिका रीजन. देयरफॉर इट इज दिस अप्रॉक्सिमिटी twice as much carbon that is there in the permafrost than in the currently in the earth atmosphere. Aur agar warming hoti hai to aapko pata hai ki the emission of carbon dioxide and methane that would be taking place and that would be a disaster. Pusa Yashasvi ja HD3326 kya hai? It is a new variety of the wheat that has been released. Gold search project basically क्या, it is new mineral that has been discovered inside the diamond unearthed from the mine in South Africa. It has a high concentration of niobium, potassium and a rare earth element lanthanum and cerium, whereas the rest of the mantle is dominated by other elements such as magnesium जो iron है. आपको क्या भी नया एक mineral found किया है, that's all. Mount Khun it is second highest peak that is there in between Jaskar and the Kargil region of the Ladakh.
कल भी करवाया था कुन और नुन माउंट के बारे में, आपको इन्वायरमेंट के कंटेक्स्ट में जो जो न्यूज़ इम्पॉर्टेंट है। चिल्का लेक इट एशियाज लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लैगून है इन द रीजन ऑफ उड़ीसा। इट इज सेपरेटेड फ्रॉम बंगाल बाई 60 किलोमीटर लॉन्ग नैरो स्ट्रिप ऑफ द मार्शी लैंड एंड सैंड फ्लैट्स। प्रोमिनेंट आइलैंड्स है जो यहाँ पे इस रीजन पे, नलाबना, कलेजल, समोलो, हनीमून, ब्रेकफास्ट, बर्ड्स, अदर्स दैट आर द बेसिकली इनहेबिटेड बाई द फिशरमैन फैमिलीज इन दैट रिगार्ड। जो इम्पोर्टेंट बर्ड सेंचुरीज है दैट इज मंगला जोड़ी एंड नलाबना बर्ड सेंचुरी दैट आर बेसिकली सिचुएटेड इन द रीजन ऑफ ओडिशा। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हम ऑलरेडी कर चुके हैं, स्मार्ट सिटीज एवरीवन, इंडियन पेंगोलियन, इसको IUCN कैटेगरी में इसको एंडेंजर्ड स्पीशीज के कंटेक्स्ट में रखा गया है। शेड्यूल्ड वन कैटेगरी में है WPI में। चाइनीज पेंगोलियन है दैट इज लिस्टेड एज क्रिटिकली एंडेंजर्ड। मुकुर्थी नेशनल पार्क तमिलनाडु फेमस फॉर नीलगिरी तहल। कुरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? असम रीजन पे। फिंगरप्रिंट ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। द एस्ट्रोनॉमर्स एट कैनेडा दे हैव मेड अ फिंगरप्रिंट ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर बेसिकली विच कुड बी यूज टू आइडेंटिफाई द पोटेंशियल सस्टेनिंग द पोटेंशियली लाइफ सस्टेनिंग प्लैनेट दैट कैन बी देयर बियॉन्ड द सोलर सिस्टम। In that regard, that the researchers have constructed a transit spectrum of the Earth, that is a detail of a fingerprint, like a unique composition of our Earth atmosphere. किस तरीके से बनता है? इंजीवार हम नागालैंड के कंटेक्स्ट में कर चुके हैं। क्रायोड्रैकन बोरियस इट इज़ अ न्यूली डिस्कवर्ड स्पीशीज ऑफ पटेरोसम। सी बोरियस इट बेसिकली द लार्जेस्ट फ्लाइंग एनिमल ऑफ ऑल टाइम अकॉर्डिंग टू द रिसेंट स्टडी। डेली डेकोरेशन बेसिकली इट सेड दैट वी वॉन्ट टू अचीव द लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी बाई 2030। इट इज़ इन द रिगार्ड ऑफ लैंड डिग्रेडेशन और इसको न्यूट्रल लेवल पर लेकर आना है 2030 डेली डेकोरेशन। नलामला फॉरेस्ट एरिया ईस्टर्न घाट्स में है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना रीजन में। इट द होम फॉर वेरियस टाइगर्स, डियर्स, बाइसन्स, बियर्स एंड अदर एनिमल्स विच आर वेरियस इंपॉर्टेंट ट्राइब्स, फॉर एग्जांपल द चेंचूज एंड अदर फॉरेस्ट डवेलर्स आर डिपेंडेंट अपॉन द फॉरेस्ट फॉर देयर लाइवलीहुड। चेंचूज आपको आंध्र प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं। ब्लैक बक और इंडियन एंटीलोप इट इज लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में है। इंडिया, नेपाल और पाकिस्तान वाले रीजन पे पाया जाता है। वन ऑफ द फोर एंटीलॉप स्पीशीज इन इंडिया दैट आर देयर, चिंकारा, चौसिंग एंड नीलगाई आर द थ्री अदर्स। ब्लैक बक द इंडियन एंटीलॉप स्टेट एनिमल है पंजाब का। आई स्पीक अ बिट लाउडर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चिंकारा की जब बात करते हैं लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में है। इट इज अनदर ट्रू एंटीलॉप दैट इज देयर इन इंडिया। ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड मोदी साहब को मिला है। कौन देता है? बिल एंड मेलिंडा गेट्स फॉर द स्वच्छ भारत अभियान दैट वाज अंडरटेकन। गांधी सोलर पार्क एंड गांधी पीस गार्डन कहाँ पे है? ओपन एट द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन इन न्यूयॉर्क। इट वाज इनॉग्रेटेड बाय मोदी साहब, मोदी को मिला। रशिया ने फॉर्मली एक्सेप्ट किया पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड। रशिया फर्स्ट साइन द डील इन 2016 एंड सेड दैट इट वुड बी इम्प्लीमेंटिंग इन द वे दैट दे वांटेड टू फाइट द क्लाइमेट चेंज।
आर्टिक एम्पलीफिकेशन, इफ द आर्टिक सरफेस एयर टेम्परेचर ऑफ द पास्ट टू डिकेड्स हैव इंक्रीज्ड एट मोर देन द डबल द ग्लोबल एवरेज दैट इज नोन एज आर्टिक एम्पलीफिकेशन. परमाफ्रॉस्ट हमने कर लिया अभी, मेरिडियन ओवरटर्निंग सर्कुलेशन. पीस फॉरेस्ट इनिशिएटिव किसने शुरू किया है? साउथ कोरिया ने. किसके लिए? सो दैट इंटरनेशनल कोलैबोरेशन कैन बी अंडरटेकन इन द कंटेक्स्ट दैट हाउ कैन वी कैन बी इन अ पोजीशन टू ओवरकम टू अचीव लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी इन क्रॉस बॉर्डर्स एंड पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन. ड्रॉट टूल बॉक्स currently being developed as a part of the drought initiative in close partnership with UNCCD, WMO, FAO and other. India's first coal gasification based fertilizer set up at Talcher in Odisha. Very, very important. The plant will produce a neem-coated urea using coal and pet coke, and that will be used as a feedstock. Syngas is a mixture of hydrogen, carbon monoxide and carbon dioxide. It is one of the clean coal technologies gas gasification that would be used in the process of converting coal into syngas, a synthesis gas that is also known as syngas. Bioremediation, bio mining, all these things. Mahabaleshwar, Jabardast place, is recorded as the wettest place in Maharashtra, in India at that point of time. In Maharashtra, it received a 7175.4 mm ऑफ रेन एज अगेंस्ट मौसरम, जहां पे कम है. चिरापुंजी उससे भी कम रिसीव किया. द हैवी रेन इज बिकॉज ऑफ इन महाबलेश्वर इज बिकॉज ऑफ द लो प्रेशर दैट वॉज फॉर्म ओवर द रीजन ऑफ वेस्ट बंगाल उड़ीसा इन द मूवमेंट दैट टुक प्लेस फ्रॉम देयर. द फाइव रिवर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम महाबलेश्वर एंड दे आर फ्लोइंग टूवर्ड द ईस्ट. द कृष्णा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज कोयना, वेन्ना, गायत्री and west flowing rivers are Savitri which empties in the Arabian Sea. Usha Jashasvi humne abhi kiya hai, wheat ka nayi variety hai. Eat right movement hai, basically two pillars FSSAI ne kiya hai. Eat healthy and eat safe, jo kha bhi rahe ho wo thoda sa healthy khao aur safe bhi khao. Project replan reducing plastic in the nature किसने किया? खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन ने किया है. सो दैट दे वांटेड टू मेक कैरी बैग्स बाय मिक्सिंग द प्रोसीड्स एंड ट्रीट प्लास्टिक वेट विद कॉटन. उसको उसकी जगह पे कॉटन फाइबर रैक्स क्या रेशियो है? प्लास्टिक वो 20% में और कॉटन फाइबर रैक्स हो 80%. Lignin. It is basically a complex organic polymer that is rich in polyphenols with antimicrobial qualities that are also there. It is found in almost all the dry plants, including the crop residues and woody barks of the trees also. Snow leopard vulnerable category mein hai. State animal hai Uttarakhand ka and national heritage animal of Pakistan. Paraquat is basically a toxic chemical hai to use to treat herbicides, primary weed and grass control. Frequent swine fever. So friends, these are the important current affairs which were to be done basically in the month of September. September ka ye important current affair hai jo aapko abhi aapko karwaya hai. So in the evening we will be taking up the current affairs of the month of October 2019. The class will begin at approximately
कितना 6 6 बजे क्लास शुरू होगी एंड डू अटेंड दैट क्लास. सेकेंड थिंग, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिवाइज. जो पढ़ाया है उसको रिवाइज करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, बिकॉज सिर्फ पढ़ना इज नॉट ओनली दैट विल बी सफिशियंट, इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू आर रिवाइजिंग दीज थिंग्स कॉम्प्रिहेंसिवली. और जैसे ही रिवाइज करोगे तो आपके वहाँ पे जब पेपर में सेम क्वेश्चन देखोगे, कुछ सिमिलर टर्म्स देखोगे, तो वहाँ पे आपको रिकॉल करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा. तो विल टेक अप अ क्लास इन द इवनिंग एट 6 PM और अक्टूबर वाला भी खत्म करेंगे. थैंक यू वेरी मच.